इश्क बुलनु न चावे यार ते नचना पेंदा ए सामने advocate
स्टेट्स में हैं कि जो आके ये देखें कि जेल के अंदर खाली चार दीवारी के अंदर कोई रह नहीं रहा है, वो रिफॉर्म भी हो रहे हैं, अपने आप को करेक्ट भी कर रहे हैं, फिजिकली या मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और अच्छे और बुरे के बीच में वो अब फ़र्क महसूस कर सकते हैं, और बुरी कंडीशंस में एट द फिट ऑफ एंगर वो कुछ भी ऐसा काम ना करेंगे जिसे कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो आज इन्हें उन लम्हों पे अपने आप को कंट्रोल करना आ चुका है। तो एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, और मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक ब्रिज का काम करें, एक सोसाइटी फॉर इन लोगों की फीलिंग्स और इनकी रिफॉर्मेशन। थैंक यू। आज का त्यौहार, सबको घर में काम होता है, लेकिन आज मैंने जितनों को भी बुलाया सब आए। ये मैं नहीं कहूँगी कोई वकील फर्टर्निटी है, कोई डॉक्टर फर्टर्निटी है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लेकिन आज सब अंदर आए, एक इंसान के रूप में आए और एक अच्छा सा मैसेज लेके आए। जितने भी हैं आज, हमने उन सब का जो प्रोफेशन है वो एक साइड पे है, लेकिन एक सोसाइटी के नुमाइंदे आए जिन्होंने ये देखा कि जेल के अंदर भी कुछ काम हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रही है। ये चार दीवारी है, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर भी एक दुनिया है, उस दुनिया के कुछ इंसान हैं जिनका भी दिल धड़कता है, दुख में वो दुखी हैं, सुख में वो सुखी हैं। आप लोगों का जितना कहूँ उतना कम है, वर्ड्स आर वेरी शॉर्ट, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने अपना परिवार के ऊपर, आज जेल के परिवार को अपनाया, तो मैं चाहूँगी जब आप आए तो यू आर विद अ वेरी हैवी हार्ट, लेकिन आप जब जब जा रहे हैं तो एक खुशी मन से जा रहे हैं, इनके लिए दुआएं भी लेके जा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट भी बाहर लेके जाइए, और उस माशरे को बताइए कि इसके अंदर रहने वाले भी इंसान हैं। कहते ना, ऊंची दीवारों के पीछे, बंद दरवाजों के नीचे एक गिनती नहीं है, कुछ इंसान रहते हैं जिनका दिल धड़कता है, जिनका दिमाग सोचता है, वो भी मेरे हैं। तो आज के दिन की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब मैं चाहूँगी हमारे बंदी भाई एक एक करके अपनी बैंकों में जाएंगे, मेहमान रहेंगे। थैंक यू।